दोस्तों मोबाइल में अगर इंटरनेट ना हो तो ये किसी डब्बे से कम नहीं रह जाता, क्योंकि मोबाइल प्लस इंटरनेट इनका कॉम्बिनेशन ऐसा है जैसा कि मजनू और लैला का, रोमियो और जूलियट का। और ये हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि इसके बिना तो हम रहने की सोच ही नहीं सकते। एंटरटेनमेंट से लेके बैंकिंग, शॉपिंग से लेके ऑनलाइन स्टडी, कितने सारे काम तो हम अपने मोबाइल में ही करते हैं। लेकिन इसी इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, खासकर की पोर्न वीडियोस देखते टाइम, जिनका हमें ध्यान रखना ही रखना चाहिए। आई नो आपका टाइम बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होता है, इसीलिए मैं हर एक वीडियो में कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान से सुन। नंबर वन, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब भी हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वो दो तरह की होती है। आगे की तरफ या तो HTTP लिखा होता है या फिर HTTPS लिखा होता है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और दूसरी वाली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, नाम से ही पता चलता है ना। अगर आप किसी वेबसाइट पे अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल डाल रहे हो, लाइक बैंकिंग, किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, फॉर्म फिल करना, रजिस्ट्रेशन करना, तो यहाँ पे आपको दोनों वेबसाइट्स के बीच का फर्क पता होना चाहिए। अगर आप इस HTTP वाली वेबसाइट में अपनी डिटेल्स को डालते हो तो आपके और सर्वर के बीच में जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसे कोई भी हैकर बीच से बड़ी ही आसानी से चुरा सकता है। तो किसी भी वेबसाइट पे विजिट करने से पहले इस बात का जरूर से ध्यान रखें। नंबर टू, बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं कि अपने सभी अकाउंट्स को लॉगिन करने के लिए वो सेम आईडी एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। असल में आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरीके से डिजाइंड होता है, उसे ज्यादा झंझट पालना पसंद नहीं होता, शॉर्टकट लेना अच्छा लगता है। बट इन दैट केस अगर आपका कोई भी अकाउंट हैक हो जाता है या फिर उसका पासवर्ड लीक हो जाता है, तो आपके सभी अकाउंट्स पे इजीली एक्सेस किया जा सकता है, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। तो अपने अलग अलग अकाउंट्स को लॉगिन करने के लिए अलग अलग आईडी और पासवर्ड का यूज करें, खास करके पासवर्ड का तो जरूर। नंबर थ्री, बहुत सारे लोगों को एक और कीड़ा होता है कि वो कहीं पे भी जाते हैं फटाक से अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं, फेसबुक पे या फिर कहीं पे भी। लेकिन ये हमेशा अच्छा नहीं होता, इससे आपकी प्राइवेसी अफेक्ट होती है। हो सकता है कोई सरफिरा आपको ट्रैक कर रहा हो, कोई आपका पीछा कर रहा हो। स्पेशली लड़कियों को तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजें प्राइवेट रखना बहुत जरूरी है। क्यों बता रहे हो आप किसी को कि मैं यहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ। अब शाहरुख खान ने क्या कहा था कि डोन अपने दोस्तों का पता रखे ना रखे, लेकिन दुश्मनों की खबर जरूर रखता है। अब आप खुद ही अपने दुश्मनों को अपने बारे में बता रहे हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। नंबर फोर, इस पॉइंट को बताने के बाद आपको पोर्न वेबसाइट के डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ, पहले इस पॉइंट को सुन लो। हमेशा आपकी ईमेल आईडी और सभी अकाउंट्स पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना कंपलसरी है, इसको जरूर से ऑन रखें, व्हाट्सएप में भी, ताकि हैक करने के बाद कोई भी हैकर आपके व्हाट्सएप को एक्सेस ना कर सके, और उसमें आपके प्रोफाइल फोटो और स्टेटस को भी माय कॉन्टेक्ट्स पे ही विजिबल रखें। अदरवाइज कोई भी थर्ड पर्सन आपके मोबाइल नंबर को सेव करके उसकी डिस्प्ले या फिर स्टेटस के फोटोज का मिसयूज कर सकते, तो प्राइवेसी रखना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर फाइव, अब दोस्तों बढ़ते हैं पोर्नोग्राफी की दुनिया में, सेफ्टी टिप्स बताऊंगा यार, गलत मत समझना। देखो जितनी भी डेटिंग एप्स होती है यहाँ पे सिंगल लोंडे भागे चले जाते हैं, जाओ लेकिन जरा संभल के, क्योंकि फेक आईडी सिर्फ फेसबुक पे ही नहीं होती, ऐसा यहाँ पे भी चलता है। पहली बात तो ये कि फॉर एग्जांपल आपकी किसी लड़की के साथ बातें भी होने लगी, कुछ टाइम बाद ऐसा होता ही होता है कि आप अपने प्राइवेट फोटोज और वीडियोस को एक्सचेंज करने लग जाते हैं। अब सामने वाले की अगर फेक आईडी है तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपके उन फोटोज और वीडियोस को कहीं पे भी अपलोड करने की धमकी देता है कि अगर आपको आपने उतने पैसे नहीं दिए तो वो उन्हें कहीं पे भी पब्लिश कर देगा। अब इस डर के मारे आपको पैसे देने पड़ते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, तो इस बात का ध्यान रखना और अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल भी, क्योंकि दोस्तों धोखा सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं मिलता, बल्कि हर कदम पे कोई कातिल है, कहां जाए कोई। आई नो ये गाना है लेकिन बात तो सच है ना। और बहुत बार तो बोट्स के जरिए सामने से रिप्लाई किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, और जब उन्हें ये समझ में आ जाता है कि कोई बंदा सामने से बात करने में इंटरेस्टेड है, तब उनकी जगह कोई भी ह्यूमन ले लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको उल्लू बनाता रहता है। बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं, पोर्न वेबसाइट्स पे विजिट करने के बाद उन एड्स के बहकावे में आके उन प्रोडक्ट्स को खरीदने लगते हैं। अब वो असली हैं नकली हैं, वो आप तक पहुंचेंगे या नहीं इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे आप जब भी पेमेंट करते हैं आपके कार्ड्स की, नेट बैंकिंग की जो डिटेल्स होती हैं वो वहां पे आप ऐड करते हैं, उन पे बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, आपका डेटा लीक हो सकता है और उसका मिसयूज किया जा सकता है। एंड वेबसाइट्स ही नहीं बल्कि प्ले स्टोर पे आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं। सच बताऊं तो ये उन वेबसाइट से भी कहीं ज्यादा डेंजर है, इन पे तो भूल के भी विजिट मत करना। एंड नियरली 1/4 ऑफ मॉलवेयर कम्स फ्रॉम पोर्न वेबसाइट्स। जी हां, सबसे ज्यादा वायरसेस अगर आपके मोबाइल या पीसी में कहीं से आते हैं तो वो है पोर्न साइट्स। अब दोस्तों इस तरह की वीडियोस देखना सही है या गलत है ये तो मेरा टॉपिक नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्राइवेसी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से लाइक करना, एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।